तो अज्यूम करता हूँ वो इसका पहला जो वीडियो था जिसके अंदर 5 केस हमने डिस्कस किया था वो आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। अभी हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करते हैं ताकि न्यू रेशो कैलकुलेट करने को आना चाहिए और सेकेंड सेक्रीफाइस रेशो निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो बेसिक कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग कुछ केस स्टडी करते हैं। ये सब का सब क्वेश्चन स्टडी मैट में है बेटा, स्टडी मैट से ही करा रहा हूँ मैं, क्या अपना घर से नहीं लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुनो। ए बी और सी का शेयर है 5:3:2। ओके सर, समझा। आपको मैं बहुत सारा केस करेंगे, सब केस में आपको न्यू रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। दो चीज़ निकालना है सब केस में, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो पहला केस कर लेते हैं, केस नंबर ए। इफ सी एक्वायर, ए बी सी तीनों है। कभी कभी क्या होता है आपस में, कभी कभी चेंजेस होते हैं। चेंजेस का मतलब कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ, वो लोग आपस में पार्टनर लोग ने रेशो चेंज किया, तो किसी ने तो सेक्रीफाइस कर, किसी को गेन होगा। कोई सेक्रीफाइस करेगा कोई गेन होगा किसी को, तो ध्यान देना। अभी कोई यहाँ एडमिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बोलता है ए और बी का शेयर 5:3:2 है और सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम बी। अब कॉमन है बेटा, बी से लिया तो कॉमन है, बी का 1/10 कम हो जाएगा, मेरा 1/10 बढ़ जाएगा, है ना। तो आ जाओ, बहुत अच्छे, आ जाओ आंसर दे रहा हूं इसका आंसर। तो पहले तीनों का नाम लिख लो, ए बी और सी, ठीक है सर। शेयर क्या था ए का 5/5, इसका बेस बेटा 10 होगा, 5/10, 3/10 और 2/10। अब क्या बोला, सी ने एक्वायर किया 1/10 फ्रॉम बी, तो कॉमन ने बी ने दिया होगा ना बेटा 1/10, बी ने दिया तभी तो सी को मिलेगा, और सी पहले से पार्टनर था, इसने इसका हिस्सा में से 1/10 लिया, तो कॉमन ने इसका 1/10 बढ़ जाएगा बेटा, समझे। अब इसको सॉल्व करो, तो सबका बेस सेम ही है, तो 5/10 ही रखेंगे, इसका ही बेस सेम है तो 10 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर एडलेस कर सकते हो, तो 3 - 1 2/10, और इसका भी बेस सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, तो न्यू रेशो आएगा 5:2:3। न्यू रेशो निकाल दिए, और पूछे थे सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक ही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बी। बी ने कितना दिया, 1/10 दिया, बोलो समझा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा, सेक्रीफाइसिंग किसने किया, केवल बी ने किया और कोई नहीं था। बी ने अभी कितना सेक्रीफाइस किया, जितना माइनस करोगे वही सेक्रीफाइस है। ओके नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ सी एक्वायर 1/10 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, लिख लो अच्छे से। अब सुनो, इफ सी एक्वायर केस नंबर बी, इफ सी एक्वायर 1/10 इक्वली, बोल दिए इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब ए ने 1/10 नहीं दिया, ए ने उसका आधा दिया, इक्वली बोला है ना, आधा आधा। तो ए एक्वायर सी ने जो 1/10 लिया है दोनों से आधा आधा लिया, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसका मतलब जो 1/10 है ना, सी का जो सी के पास जो 1/10 मिला, सी को जो 1/10 मिला, सी में 1/10 प्लस करेंगे, लेकिन वो बोलता है दो लोग से मिला है मुझे 1/10, आधा आधा मिला ए और बी से, तो ए और बी से मिला है 1/10, दोनों साइड लिखो, और बोलता है इक्वली आधा, आधा मतलब हाफ, आधा ए ने दिया और आधा बी ने दिया, तो इसको सॉल्व करो, 1/20 और 1/20, तो ए में से 1/20 माइनस करेंगे, बी में से 1/20 माइनस करेंगे और सी में 1/10 प्लस करेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आ जाओ, ए आंसर दे रहा हूँ, ए बी और सी, बताओ ए का जूना शेयर क्या था, 5/10, 3/10, 2/10। अब बेटा ए ने कितना सेक्रीफाइस किया,
सेक्रीफाइस मतलब माइनस करो, माइनस वन बाय ट्वेंटी, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, माइनस वन बाय ट्वेंटी, ये वन बाय ट्वेंटी, वन बाय ट्वेंटी मिलेगा तो वन बाय टेन सी में प्लस होगा। अब कुछ करना नहीं, आपको बेस सेम करना है, एक बार बेस सेम हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बेस को सेम करते हैं, किससे इंटू करो कि बेस सेम हो जाए, टू से, तो इसको भी टू से इंटू करना पड़ेगा, इसको टू से इंटू कर, इसको भी टू से इंटू करते हैं, ये बेस बीस हो गया तो इसका बेस को बीस कर लेते हैं, तो इसको भी टू से इंटू कर लेते हैं। चलो सॉल्व कर, छोटा छोटा लिखा होता है कि समझ में आए, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। तो इसका बेस सेम हो गया ट्वेंटी, फाइव टू इधर टेन, टेन माइनस वन, टेन यहाँ लिख देता हूँ, टेन माइनस वन आंसर नाइन बाय ट्वेंटी, इनका बेस सेम होगा ट्वेंटी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन आंसर फाइव बाय ट्वेंटी, इसका बेस सेम हो गया ट्वेंटी, टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री, नहीं भैया जी बीच में प्लस है, या अल्लाह, फोर प्लस थ्री, टू टू जा फोर और टू वन जा टू, ठीक है, तो आंसर सिक्स बाय ट्वेंटी। तो न्यू रेशो हमारा बन गया, न्यू रेशो हमारा बन गया नाइन इज टू फाइव इज टू सिक्स, नाइन इज टू फाइव इज टू सिक्स। और सेक्रीफाइसिंग, हु इज द सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, पहली बात तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी है, और कितना कितना सेक्रीफाइस किए थे, वन बाय ट्वेंटी एंड वन बाय ट्वेंटी, बोलो समझा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अगर रेशियो बोलेंगे तो वन इज टू वन, क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी सेम हो गया तो वन इज टू वन। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी है, ए ने दिया वन बाय ट्वेंटी, बी ने दिया वन बाय ट्वेंटी, केस नंबर बी समझा। अब आते हैं केस नंबर सी, थर्ड, केस नंबर सी, ए जैसे सॉल्व किया है इसको, कुछ नहीं, केस नंबर सी, इफ सी शेयर इज इंक्रीज बाय वन टेन, सी का शेयर वन टेन से बढ़ाएंगे, by acquiring from A, बात खत्म। वो बोलता है C का शेयर ना वन टेन से बढ़ाओ, बाय मतलब बढ़ाओ, उतना से बढ़ाओ, इंक्रीज करो, और किससे लिया है, A से लिया, तो बहुत ईजी है, जिससे लिया उसमें से कम करो, इसमें सोचना क्या है। तो आ जाओ आंसर, A B और C, ओल्ड रेशो 5 by 10, थ्री बाय टेन और टू बाय टेन, सी ने किससे लिया वन टेन, ए से लिया तो ए में से लेस कर दो, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स भी लेस हो जाएगा, और ए में सी में ऐड कर दो, अरे यहाँ से लेस करो, यहाँ ऐड करो, तो इसका बेस सेम है टेन, फाइव माइनस वन फोर, ये तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, थ्री बाय टेन, और यहाँ पर इसका टू प्लस वन थ्री, थ्री बाय टेन, तो न्यू रेशो हमारा बन जाएगा फोर इज टू थ्री इज टू थ्री, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए है, कितना सेक्रीफाइस किया वन बाय टेन, बोलो समझा। हर क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा था बेटा, बाय लिखा था, अभी अगर अगर ऐसा इंग्लिश आ गया कि सी का शेयर इंक्रीज टू थ्री टेन बाय एक्वायरिंग फ्रॉम बी, तो अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ बाय लिखा, वर्ड पकड़ना बाय, अब टू लिखा रहेगा तो अभी करते हैं अगला केस नंबर डी।
केस नंबर डी, सी शेयर, केस नंबर डी, सी शेयर इंक्रीज टू, सी शेयर इंक्रीज टू 3/10 बाय एक्वायरिंग फ्रॉम बी। अब जरा ध्यान देना, वो बोलता है बी से लेगा, किससे लेगा, बी से, तो देखते रहो। वापिस आंसर ए बी और सी, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 5/10, 3/10, 2/10। ये क्या बोलता है, इंक्रीज टू 3/10, सी का शेयर ना इंक्रीज कर दो 3/10 तक लेके जाओ, तो इसका मतलब सी का जो शेयर है ना 3/10 टू, तो कितना से बढ़ा है हमने, कितना से बढ़ा है, देखो 2/10 था, कितना बढ़ा है 3/10 किया, तो कितना से बढ़ाया वो नहीं दिया, वो आपको ढूंढना है, तो कितना से बढ़ाया होगा बेटा, 1/10 से बढ़ाया होगा, 1/10 से बढ़ाया होगा, समझा कैसा आया, अरे इसका बेस सेम करना है तो 10 को एज इट इज़ लिख दो, और कितना ऐड किया कि 3 हो गया 1, तो 1/10 ऐड किया रहेगा तो अभी तो 3/10 हुआ, इसका मतलब ये जो 1/10 है, ये 1/10 है, देखो 2 3/10 बोला मतलब 2 सीधा इधर ही आएगा 2, ये आंसर है, तो इसका मतलब ये हमने सर्च किया बैलेंसिंग फिगर, इसका लिए किससे लिया बेटा, बी से लिया, तो कॉमन है बी में लेस करने का, तो ए टुकुर टुकुर देख रहा था, ये इसका बेस सेम है, तो 3-1 2, तो हमारा न्यू रेशो बनेगा, व्हाट इज़ द न्यू रेशो, 5:2:3, सेक्रीफाइसिंग रेशो, पहली बात तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी है, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, बोलो समझा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी है और जिसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 सर। नेक्स्ट, मजा आ रहा है सर, गुड 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 गुड, अपना फ्रेंड लोग से शेयर करें। अब आते हैं केस नंबर ई, ए एंड बी, ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर भविष्य का प्रॉफिट 5:2:3, कुछ नहीं आपस में रेशो चेंज हो रहा है, तो न्यू रेशो कैसे निकालना है और सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालना है, चलो हटा दें, यस सर, ये लेक्चर में सवेरे सवेरे 5 बजे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है, भूख लग जाता है सब, इसके लिए पानी पी कम चलाना पड़ रहा है। चलो केस नंबर ई पढ़ते हैं, ए बी सी का शेयर 5:3:2 है, ठीक है, ओल्ड रेशो। अब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना रेशो चेंज करेंगे, क्या रेशो चेंज करेंगे, मैं नेक्स्ट केस दे रहा हूँ, ई वाला केस, ई वाला केस क्या बोलता है, केस ई, केस ई बोलता है इफ ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर 5:2:3, मतलब न्यू रेशो रेडीमेंट दे दिया आपको, देखो पहला रेशो क्या था 5:3:2, ये इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर शिफ्टिंग हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि न्यू रेशो तो यही है, अभी हमें दूसरा क्या ढूंढना है, सेक्रीफाइस रेशो। तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, कभी भी सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा ना कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन का, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो आप इतना याद रखना, ऑन याद रखना, ऑन ओ एन, एन दिख रहा है ना, हाँ, ओल्ड में से न्यू माइनस करना, जैसा अभी लाइट चालू है, कैमरा ऑन है, ऑन ऑन याद रखो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अगर आंसर प्लस आता है, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, आंसर प्लस आ रहा है तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर। ओल्ड में से अब न्यू माइनस करो, आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग। सर ये मैं भूल गया, तो लाइफ में बेटा जब मैं एक बात ध्यान देना, जो आंसर जो पॉजिटिव बंदे होते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के लो, वो लाइफ में हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं,
पॉजिटिव सोच के लोग बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं। अपना मम्मी डैडी को देख लो, पापा को देख लो, पापा लाइफ में बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो ला के दे देते हैं, लेकिन खुद नहीं खरीदते हैं। तो पॉजिटिव आदमी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करता है। वो बोलते हैं सब मोह माया है, गाड़ी बंगला दिखावा, तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करता है। इसीलिए मैं एक सोच के रखता है, पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, पॉजिटिव सेक्रीफाइस। तो ऑन याद रखो, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, माइनस में आएगा तो गेनिंग पार्टनर है। करके दिखाते हैं, देखो आंसर ऐसा अभी सॉल्व करूंगा। हाँ क्या, क्योंकि माइनस करना है ना, ए है बी है सी है। बताओ क्या लिखा मैंने, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक, इसमें से क्या लेस करने बोला मैंने, न्यू रेशियो लेस करने बोला। व्हाट इज द न्यू रेशियो गिवन द प्रॉब्लम, 5/10, 2/10 और 3/10। अब ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो 5/10 नीचे लिखने जा रहे हैं, 5/10 माइनस 5/10 इसका, 3/10 माइनस 2/10 इसका, 2/10 माइनस 3/10 बेस तो सेम है, तो इसका तो ज़ीरो हो गया, इसका बेस सेम है, तो 3 माइनस 2 करो आंसर 1। 1 क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस डाल दो इसके आगे, और इसका 2 माइनस 3 क्या, तो माइनस 1/10 है। मैंने अभी अभी बोला था गरम गरम प्लस, अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसके नीचे लिखने का ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका आंसर माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर है, जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिसका आंसर माइनस में है गेनिंग पार्टनर। बोलो समझा, तो हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पार्टनर बी से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, 1/10 उसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, नेक्स्ट रेशो चेंज थोड़ा सा और मस्ती करते हैं। अगर ये लोग शेयर करेंगे भविष्य में 2:3:5, तो ये हटा दे रहा हूँ, वापिस चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला अभी सर ने, अगर ये शेयर करेंगे 2:3:5 में, प्रैक्टिस फिर से, केस नंबर ई हो गया एफ, नेक्स्ट केस, केस नंबर एफ, चलो आप करो फटाफट, हम भी करते हैं, हटा दो इसको, मजा आ रहा है। ओके सर, याद रहेगा, ऑन ओल्ड में से न्यू माइनस करो, आंसर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, पॉजिटिव आदमी सेक्रीफाइस, पॉजिटिव आदमी सेक्रीफाइस। तो सुनो, केस नंबर एफ, ओल्ड रेशो दिया था, न्यू रेशो ये क्या, 2:2, मतलब इसका बेस क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, तो 2/10, 3/10 और 5/10 बेस सेम है, तो माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 5/10 बेस सेम है, 5 माइनस 2 3, लेकिन आंसर प्लस में आ रहा है, तो प्लस 3/10 इसका तो नील हो गया, 2/10 बेस सेम है, तो 2 माइनस 5 करते आंसर माइनस 3/10। अभी मैंने बोला था पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करते, तो ये बन गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये बन गया गेनिंग पार्टनर। कौन किसको पैसे देता बाद में सीखेंगे, गेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देता है, वो बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये सीखना है कि हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मिस्टर ए। बोलो समझा, नेक्स्ट केस नंबर जी फॉर जीजा जी, क्या लिखा है, ए एंड बी शेयर भविष्य का प्रॉफिट 2:1:2, फिर से वैसी मस्ती, हटा देता हूँ, केस नंबर जी बोलता है ए बी और सी डिसाइडेड टू शेयर भविष्य का प्रॉफिट इन 2:1:2। चलो वापस प्रैक्टिस करते हैं, तो पहला ओल्ड रेशो लिख दो, हमेशा की तरह लिख दिया, व्हाट इज द न्यू रेशो, इसका बेस क्या है बेटा, 4/5, तो 2/5, 1/5 और 2/5, डायरेक्ट माइनस मत करो, पहले इसका बेस को सेम करना चाहता हूँ मैं, तो इसका बेस सेम करने के लिए किससे इंटू करूँ, 2 से, तो इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा,
इसको भी टू से इंटू कर लेते हैं, तो टू टू जा फोर, तो बेस सेम हो गया टेन, फाइव माइनस फोर इसका भी बेस सेम हो गया टेन, थ्री माइनस टू यहाँ पर भी बेस सेम हो गया, टू माइनस टू टू जा फोर, तो फाइव माइनस फोर आंसर वन बाय टेन, प्लस की माइनस जल्दी बताओ, प्लस की माइनस आंसर प्लस, थ्री माइनस टू आंसर वन बाय टेन प्लस में आ रहा है, और टू माइनस फोर आंसर माइनस टू बाय टेन, तो पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और ये गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वन इज टू वन, सुन रहे हैं वन इज टू वन लिख दे रहा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज ए एंड बी, और रेशियो रहेगा वन इज टू वन। नेक्स्ट केस नंबर एच हटा दूं, केस नंबर एच अगर बोलेंगे लास्ट कि ए बी सी भविष्य में शेयर करेंगे इक्वली, सुन रहे हैं इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, तब क्या सॉल्व करेंगे, तो सुनो वापिस वैसी ओल्ड रेशो लिख दो, न्यू रेशो वन इज टू वन इज टू वन, अरे इक्वली मतलब वन इज टू वन इज टू वन, इसका बेस आएगा थ्री, अब बेटा इसका बेस सेम नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव बाय टेन माइनस वन बाय थ्री, थ्री बाय टेन माइनस वन बाय थ्री, और टू बाय टेन माइनस वन बाय थ्री, ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस टेन, टेन थ्री जा थर्टी, इसका थ्री थ्री जा नाइन, टेन वन जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टेन बाय थर्टी, 15 माइनस टेन फाइव बाय थर्टी, 19 माइनस टेन सॉरी 9 माइनस टेन वन बाय थर्टी, लेकिन ये माइनस में आता है, और ये माइनस फोर बाय थर्टी, पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, ये गेनिंग पार्टनर है, ये भी गेनिंग पार्टनर है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए 5 बाय थर्टी, बोलो समझा, केस नंबर आई, आई मतलब माँ हटा दूं, चलो आई वाला केस सही है, इफ ए बी एंड सी डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट sharing between B and C shall be
द सेम अस एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी. क्या बात है, बोलता है बी और सी का फ्यूचर कैसा रहेगा शेयर, जैसा ए और बी का जैसा है. क्या बोले भाई साहब, देखो क्या बोलता है, चीज को समझो, एकदम सिंपल है. देखो क्या बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है. आंसर ए बी और सी का रेशो क्या है, 5:3:2 है ना. वो बोलता है भाड़ में क्या है, ठीक है, वो बोलता है ए और बी का रेशो जैसा है ना, ए और बी का जैसा शेयर है ना, ए और बी का शेयर क्या है 5:3, वैसी बी और सी का रहेगा. तो शॉर्टकट समझाता हूँ, ये देखो, ये ना आपको ये चेक करना है, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, सी बी का क्या है, कितना परसेंट है. तो 3/5 कर लेना, ऐसा कर लेना 3, इसका मतलब आप चेक करोगे ना, ये इसका ना 60%, ये इसका 60% है. समझा कि नहीं, चेक करो 3/5%, इसका मतलब बी ए का, बी और ए और बी में रिलेशन है ना 5:3, मतलब बी को ना ए को जितना मिलता है ना उसका 60% मिलता है. बी को कितना मिलता है, ए को जितना मिलता है उसका 60% मिलता है. तो बोलते यही रिलेशन यहाँ पर भी रहना चाहिए. इसका मतलब बी को, अभी बी का अगर 3 है तो सी को कितना मिलना चाहिए, उसका 60% मिलना चाहिए भाई साहब. इसका मतलब 1.8 मिलना चाहिए. बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है. जैसा रिलेशन तेरा ए और बी के साथ था, वैसा रिलेशन, वैसा ही रेशो किसके साथ रहना चाहिए, ए और बी और सी के साथ रहना चाहिए. अभी तो घटिया रेशो दिख रहा है, सो मल्टीप्लाई विथ 5, मल्टीप्लाई विथ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 = 25. ये वाला रेशो लेंगे 5 × 3 = 15, और इसको भी 5 से इंटू करते हैं, 1.8 × 5, आंसर 9. तो न्यू रेशो हमारा बन जाएगा 25:15:9. बोलो समझा. लेकिन हमें सेक्रीफाइस रेशो भी तो निकालना है. सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना. सेक्रीफाइस रेशो तो ओल्ड में से न्यू माइनस करना है. तो पहला ओल्ड रेशो बता दो, ए बी और सी का ओल्ड रेशो था 5/10, 3/10 और 2/10. व्हाट इज़ द न्यू रेशो, अभी कैलकुलेट किए थे 25 है, इसका बेस क्या रहेगा 25 + 15 + 9, इसका बेस रहेगा 49/15/49, और ये 9/49. इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करते बैठेंगे, हम लोग बेस सेम नहीं करें, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ क्या 49 था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट. हाँ तो 5/10 - 25/49, 3/10 - 15/49 और 2/10 - 9/49. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्योंकि बेस सेम नहीं होगा. तो 5 × 49 = 245, ये दिख रहा है. हाँ 245 - 250 / 490, 49 × 3 = 147 - 150 / 490, 49 × 2 = 98 - 90 / 490. इसको यहाँ सॉल्व करो, जगह कम है तो 2 × 45 - 250 - 5/490 आ रहा, चेक करो -5/490, और इसका ये ए का हो गया, बी का 147 - 150 - 3/490, और सी का 98 - 90 = 8, लेकिन ये प्लस में आ रहा है 8/490 भूल जाओ. पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, ये गेनिंग पार्टनर है. तो व्हाट इज द सेक्रीफाइस, हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सी, ठीक है. और गेनिंग रेशियो है 5:3. एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में अच्छे से ये एग्जांपल.
बोलो समझा। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन का आप न्यू रेशो निकालने का और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड लोग के साथ।